स्वागत करता हूं गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले एपिसोड में कि हम लोग जो है इस वाले एपिसोड में जो है क्राफ्ट करने वाले हैं स्लीपिंग पॉट को, तो चलिए गाइस विदाउट डिले के वे शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। और मैं आज क्राफ्ट करने वाला हूँ स्लीपिंग पॉट, जो कि टेक स्लीपिंग पॉट होने वाला है, मतलब टेक ही का होता है, सारे स्लीपिंग पॉट तो हमेशा टेक ही का होता है और लाइट। सो चलिए विदाउट डिले के वे इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है ना गाइस मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह कर देता है, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जोश ला देता है और भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड करने के लिए। क्योंकि जो है गाइस ना, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो मैं हर रोज़ देखता रहता हूँ स्लाइड अप मार के कि आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कल कितने सब्सक्राइबर बढ़े, तो वो मुझे जो है बार बार जब देखता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेट कर देता है कि चलो यार कोई बात नहीं, कोई तो सपोर्ट कर रहा, कोई तो सब्सक्राइब कर रहा, तो और भी वीडियोज़ लाने का मन करता है। और लेट गाइस, तो विदाउट डिले के चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में मैं गया हुआ था डंजन में, डंजन से मैं लेके आया हूँ स्लीपिंग पॉड का बीपी। आप लोगों को पता ही होगा स्लीपिंग पॉड का बीपी वगैरह हमेशा डंजन से ही मिलता है, और टेक आर्मर, सारी टेक की चीज़ें जो है, बीपी वगैरह और भी सारी चीज़ें, मतलब और भी सारी चीज़ें, सब के सब चीज़ें जो है हमेशा जो है डंजन से ही मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास स्लीपिंग पॉड पड़ा हुआ है, जो कि मैंने जो है यहाँ पे रेप्लिकेटर में दे दिया है। और मैं आपको बताता हूँ इसका रिक्वायरमेंट क्या है स्लीपिंग पॉड का क्राफ्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत पड़ती है पॉलीमर की, मेटल इग्नोर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और फाइबर लगेगा, हाइट लगेगा, हाइट थोड़ा सा कम लगेगा, बट फाइबर ऑलमोस्ट 280 है। इसमें खास बात क्या है गाइस में कि इसमें ईरी एलिमेंट का कमाल है, जो कि जो है स्लीपिंग पॉड क्राफ्ट करने में आपको 40 ईरी एलिमेंट लग जाते हैं, मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक ये है। सो यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, ओनली एक ही क्राफ्ट करूँगा गाइस। मैं अभी आपको प्लेस वगैरह करके भी दिखाने वाला हूँ इसको। सो इसके पहले मैं जो है यहाँ पर टेक के सारी चीज़ें, मतलब अपने आर्मर्स वगैरह रिपेयर कर डालूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस कि अगर आप लोगों के पास टेक का आर्मर है, ठीक है, अगर वो 10% डैमेज है, अगर आप लोग उसको रिपेयर कर रहे हो ना, तो ईरी एलिमेंट का जो, मतलब ईरी एलिमेंट है जो यूज होता है, आई थिंक वो सेम ईरी एलिमेंट यूज होता है, चाहे वो 2 में करें आप, 4 में करें या फिर 5 में करें। सो चलिए अभी फिलहाल के मैंने स्लीपिंग पॉड क्राफ्ट तो कर लिया है और इसको अभी जल्दी से प्लेस करता हूँ। और यहाँ पे मेरी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिड्यूस हो गई गाइस, 40 से ऑन द स्पॉट 20 पे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होने वाली है और बहुत जल्दी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाएगा। तो विदाउट डिले किए हुए इसको मैं करने वाला हूँ प्लेस। वो भी सोच ही रहा था मैं कहाँ पे प्लेस करूँ, तो यहीं पे आसपास कहीं बेट इसके जनरेटर के पास में ही प्लेस कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह हो रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा वीडियोस वगैरह समझने में या फिर देखने में दिक्कत हो रही होगी, बट मैनेज कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा जगह को मैंने लोकेशन को चेंज कर दिया और यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। फाइनली जो है मैंने इसको प्लेस कर दिया और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर भी थोड़े बहुत कंट्रोल्स वगैरह हैं जो कि हमें विजुअल नहीं है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो भी रीजन ऑफ विजुअल होने या ना होने के। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 9 घंटे का स्लीप मार सकते हैं, और अगर हमारे पास नॉर्मल बेड रहता है तो उस पर हम लोग 7 घंटे या फिर 6 घंटे का स्लीप मारते हैं, और अगर हमारे पास जो है स्लीपिंग बैग रहता है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम 2 घंटे के या फिर 3 घंटे के आसपास स्लीप मार सकते हैं। तो यही डिफरेंट होता है, जितना ज़्यादा बढ़िया स्लीपिंग पॉड या फिर स्लीपिंग बैग रहेगा जो भी, तो उतना टाइम का डिफरेंट होता है और इसमें कुछ खास बातें नहीं होती। और लेट गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और विदाउट डिले के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन हो चुकी है, और ये इसका रीज़न ये है ना गाइस कि यहाँ पे करंट वगैरह नहीं आ रहा। सो बैटरी वगैरह जो है सिर्फ और सिर्फ मैं अपने इन्वर्टर से ही चार्ज करता हूँ, जिसकी वजह से ऐसा सीन हो रहा हमारे साथ। और लाइट सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि ये वाला पार्ट जो मैंने काफ़ी ज़्यादा बार बोल दिया है, तो आई होप आप लोग इरिटेट नहीं होंगे। तो चलिए